लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ पिताजी, पिताजी मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, इलेक्शन पे ड्यूटी लगी है मेरी। अच्छा अच्छा, तो ड्यूटी लग गई तुम्हारी। एक पैसा नहीं मिलेगा, ये क्या है, 5 पेटी 10 पेटी। ए, हाथ मत लगाना, मारो मारो मुझे, मारो मुझे, बाहर ले जाके मारो मुझे, मारो 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 मुझे। हाँ हाँ, बहुत हो गया, मैं अपना ध्यान रखूंगा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं देने वाला, आपने समझो आलोक। अरे भाई जल्दी करो, अभी यहाँ लफड़ा बढ़ने वाला है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे बात क्या है, इलेक्शन होते हैं, तलवार हमारी गर्दन पर लटकती है, सेठी के आदमी है, पैसे मांगे होंगे, अब तुम ही बताओ कोई पैसे दे तो कब तक दे। बाजार में मर्डर करो मेरा, सेठी साहब का नाम और बढ़ जाएगा। आप शांत। अरे तमीज बताओ, उन्हें कर बार भूला भी मानस 10-10 कलाक काम करे छे, कोना माटे आपने माटे। हाँ भाई साहब, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, रिपोर्ट करते हैं। तुमको पैसा के लिए फोन आया, तुम रिपोर्ट दर्ज किया नहीं ना, पुलिस स्टेशन आया, पुलिस को बोलना चाहिए कि नहीं? सर ये ठीक है, इन्होंने पुलिस को बोलना चाहिए था, ये इनकी गलती है, लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो आपके सामने, कुछ गुंडे इसकी दुकान में घुस के इसका सर तोड़ देते हैं, अब आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए ना। ये क्या हो रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तारो माथो भरी कुछ है? पिताजी सेठी के गुंडे ने दुकान में घुसकर मुझे। तू उनसे दुकान में उलझाई क्यों? तो क्या करता, आपकी तरह अपनी मेहनत की कमाई उनके कदमों में डाल देता मैं। उठ बैठा, बहु मोटो थई गयो छन, तू मारी साथे जीबाजोड़ी करेस, तारा बापली साथे। साहब आपने कुछ लिखा नहीं ना, हमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखवाने का है। पर बाबू मारी बात तो। चल चल निकल आंटी, अने दुकान में तारू छे शू, बधी तो मारी कमाणी छे, अने मारी कमाणी जेने इच्छीश तेने आपीश। चाले थी। विजय सिंह, SI ट्रेनी बैच नंबर 26, सेंट ऑन फील्ड ट्रेनिंग फॉर इलेक्शन ड्यूटी ओनली, ओके? भोसले साहब ने बुलाया तुम्हें। फिर आगे क्या हुआ, बोलो बोलो। सर उस आदमी को वो लोग बहुत बुरी तरह मार रहे थे, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो सारी रिपोर्टिंग है मेरे पास। उधर तुम झवेरी बाजार में क्या कर रहा था, है? तुम्हारा ड्यूटी 7 नंबर पुलिस स्टेशन में था ना? अरे ये लफड़ा हुआ 10:30 बजे, तुमको पुलिस चौकी में रिपोर्टिंग था 9:30 बजे, तुमको ड्यूटी पर होना चाहिए था कि नहीं? फिर हमारे सीनियर भोसले साहब ये कहते हैं कि क्या कहा उन्होंने, यही ना कि हर किसी को अपनी ड्यूटी की जगह होना चाहिए, ठीक ही तो कहा? पोजीशन, कामकाज, एरिया, ये सब डिवाइड किए गए हैं। बड़े बाबू मैं विजय, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि तुम सीनियर की बात ठीक से सुनते नहीं हो। यू आर अंडर ट्रेनिंग, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, समझना है। एक ट्रेनिंग में जोश के साथ साथ ठहराव भी होना चाहिए। हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है, बस यही बात है हर साहब की जुबान पर, हर बात पर हाँ करो, सल्यूट करो, बस यही काम है हमारा। डिसिप्लिन, भोसले साहब ऑफिस में मुझे ड्यूटी समझा रहे थे और खुद शराब के नशे में थे। अरे तो ठीक है ना यार, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, भोसले साहब को कामकाज का इतना टेंशन है कि एक हाथ में पी लिया होगा। राणा, हमारे भोसले साहब का कहना है कि इलेक्शन के दौरान कुछ भी हो सकता है, हमें मारा भी जा सकता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हमें चौकी के अंदर दुबक कर बैठना चाहिए। वाह, हमें यह दुबक कर बैठने के लिए बुलाया गया, ना कि लोगों की हिफाजत के लिए। विजय तू खुद को इतना परेशान क्यों कर रहा, 15 दिन अपने को यहाँ पर ठहरना है बस। डिपार्टमेंट हमसे क्या क्या और कितना काम चाहता है वो हम करें, पर कहां क्या क्या सुधारेंगे हम, और जब गुंडे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए कोई भी खेल खेलेंगे वो। क्या है साहब, तुम्हें कैसे हाथ? अरे सेठ साहब, आप इतने जल्दी आ गए। बराए ना, नहीं नहीं मी खरा म्हणजे बाहेर तुम्हाला रिसीव करायला, सॉरी
आई। अरे अरे वेड्या सारखा बाळ असं का करतो तू? असं नाही करायचं। काय आईचा आशीर्वाद सर्वस्व आहे। आशीर्वाद तर असतोच ना वाळा। अरे 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 हे काय आहे? आमच्या सौभाग्य आहे की तुम्ही आमच्या घरी आलात। तू मुझे भैया कहेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अले 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 काय रे आई नाव तुझ नाव सांग बार क्या नाव सांग समी गोड पुळगा सावन बाबांचा फोटो आहे सावंत। मैं हैरान हूं तुमने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। मेरा मतलब मैंने तुम्हारी कीमत कुछ ज्यादा आंकी थी। सावंत हमारे गठबंधन की खबर बाहर आने दो। पैसे तुम्हें जब जैसे चाहिए बता देना मिल जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं सेठी साहब, आप सावंत को क्यों मरवाना चाहते हैं? वो तो आपको सपोर्ट कर रहा ना। बाबूराव आप कब सीखेंगे? राजनीति में कभी कभी अपने सपोर्ट करने वाले को भी मरवाना पड़ता है। इस इलेक्शन को अपने हक में घुमाने के लिए सावंत को जाना ही होगा। सेठी साहब, सावंत 20 लाख का आदमी है। मैं उसको मारने का 10 लाख लूंगा। क्या भाई, लाख का 2 लाख समझ में आता है, सीधा 10 लाख? ये 10 लाख सावंत को मारने का नहीं, सीजन का रेट है। सीजन का रेट बोले तो बैंड बाजे वाले का कमाने का टाइम शादी का टाइम, गुंडे लोगों का कमाने का टाइम इलेक्शन का टाइम। अभी कमाने का टाइम कोई छोड़ता है क्या? अब तो ये उल्टी बात कर रहे हो तुम। बाबूराव जी आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं। ये राव साहब हमारे समझते नहीं। कम दामों में तो बाजार में जंग लगे हथियार मिलते हैं। आपने जो कहा वो हो जाएगा। हम इस काम की अहमियत को समझते नहीं। छोड़ो ये सब, जो जरूरी है वो पहले करो। बाबूराव समय ज्यादा नहीं है जी, पैसों का इंतजाम जल्दी करो। जी अच्छा। 10 लाख एक से नहीं मिल रहे हैं तो दो दो के 5 लोग ढूंढ लो। जी हो जाएगा, कैसे भी करो। ओके ठीक है। सावंत को मारने का स्पॉट नाना चौक से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। काम बजाने के बाद तुम लोग पीछे के रास्ते से निकल जाओगे। विट्ठलवाड़ी में एक नया चौकी का इनॉग्रेशन हुआ था ना, नया चौकी का मतलब नया साहब लोग। इधर एक पुलिस वाला मूली का पत्ता सूंघ ले तो सारे डिपार्टमेंट को जुकाम लग जाता है। गोडाउन में शाम से बात करने के बाद काम का स्पॉट लगाने का। सावंत कल 11 बजे 3 बत्ती से गुजरने वाला है। सावंत साहब आप तो हमेशा सेठी साहब का विरोध करते आए हो, फिर इस इलेक्शन में उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो? ये तो विचार मिलने की बात है, कल तक नहीं मिलते थे। फिर मैं एक बात मानता हूँ, काम जनता के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, फिर वो किसी के साथ भी हो। सावंत साहब शहर के जिस तरह के हालात हैं, हर नेता ने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है पर आपने। हाँ मैं जानता हूँ आज गुंडागर्दी बढ़ गई, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई सावंत को गोली मार दे। Thank you.
आज ड्यूटी कहाँ लगी हुई है? पता नहीं, आज 2 बजे हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना है। सावन साहब का मर्डर हो गया है चेंबूर नाके के पास, और 7 नंबर चौकी पे एक साहब को भी उड़ाया है इन लोगों ने। 7 नंबर चौकी पे तो विजय था। इंस्पेक्टर रघुवंशी, मैं से जवेरी बाजार पुलिस स्टेशन में मिला था, उन खूनियों के साथ था ये विजय। विजय तू चल, नहीं चल, ये विजय, विजय चल यहाँ से, चल निकल। अरे चल तू यहाँ से, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, सुन, विजय तू कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं देखा तूने, तू बस चल यहाँ से, कुछ नहीं हुआ है विजय, तू चल यहाँ से, चल यहाँ से तू। हाँ मैंने गोली मारी उसे क्योंकि वो उन खूनियों में शामिल था, अगर गोली नहीं मारता तो क्या जाने देता उसे? हाँ ठीक है, वो खूनी था, तूने उसे गोली मारी बस। विजय ये रघुवंशी की बात नहीं है, इस शूटआउट में 4 लोग मारे गए हैं और ये लोग मजदूर नेता सावंत का खून करके भाग रहे थे। जिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इन्होंने चौकी पर मारा है वो चेंबूर से उन लोगों के पीछे लगा हुआ था। पर ये सावंत तो इस सिलेक्शन में रतन सेठी को सपोर्ट कर रहा था। अरे अभी अभी 2 दिन पहले अखबारों में खबर छपी थी। मुझे तो ये सारा का सारा पॉलिटिकल गेम लग रहा है, हम लोगों को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अरे हम लोगों को कदम उठाने की जरूरत ही क्या है यार? विजय तेरी ड्यूटी उस चौकी पर थी क्या? नहीं। बस तू इस पूरे शूटआउट में था ही नहीं, ये बात की बात है कि कोई गवाह सामने आए जिसने तुझे रघुवंशी को मारते हुए देखा हो। राणा ठीक कह रहा है, वैसे भी ऐसे मामले में गवाही देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। मगर किसी चौकी के ड्यूटी रजिस्टर पे इसके साइन है क्या? क्या जवाब देगा? जवाब है ना इनके पास, यही कि आप ड्यूटी की जगह पर नहीं थे और पूरे शूटआउट में बाकायदा भागीदारी निभा रहे थे। बड़े बाबू मैं, तुम कुछ बोलो मत, सिर्फ सुनो।
कानूनी रजिस्टर में मैंने तुम्हारी ड्यूटी चौकी नंबर 13 पर दिखा दी है। इन चार घंटों में तुम इंस्पेक्टर सोलंकी के साथ रेड पर थे। हाँ, विजय, मैं तुम्हें इस घेरे से निकाल लूंगा, बस तुम खुद पे काबू रखो। मैंने ईमानदारी और फर्ज का भूत तुम्हारे सर चढ़ा देखा है।